हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही खूबसूरत सी डिज़ाइन लेकर आई हूँ। जो फ्लावर होता है, हम लोग फ्लावर बनाते हैं, उसकी पत्तियाँ बनाना बताऊँगी। तो इसका बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होता है, वो मैं बाद में आपको बताऊँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर 13 चैन लेंगे। देखिए 13 चैन ले रहे हैं और 11 नंबर की मैंने क्रोशिया ली है। 13 चैन लेने के बाद देखिए अब हम क्या करेंगे यहाँ पर। ये देखिए जो फर्स्ट वाली चैन है, देखिए हमने 13 चैन ले ली है। अब यहाँ पर हम देखिए क्या करेंगे, इसको खींचेंगे थोड़ा सा और खींचने के बाद ये फर्स्ट वाली चेन में डालेंगे। यहाँ पर देखिए फर्स्ट वाली चेन में डालेंगे और इसको धागा इस तरीके से बना लेंगे, ठीक है। अब इसके पास वाली चेन में डालेंगे, यहाँ पर भी सेम हम करेंगे। अब इसके पास वाली चेन में डालेंगे, इसमें भी हम धागा लेकर खींचेंगे, ठीक है। इसके पास वाली चेन में डालेंगे, यहाँ पर भी सेम करेंगे। तो इस रो में हम जितनी भी हमने 13 चेन ली हैं, देखिए इस तरीके से हम सारे फंदे एक एक बार हर चेन में डालेंगे और सारे फंदे हम निकाल लेंगे। तो अगर आप लोग क्रोशिया से ब्लाउज़ देखना चाहते हैं, मैं फिर से बोल रही हूँ, आप लोग चैनल सब्सक्राइब करके रखें और घंटी जरूर प्रेस करें, तभी आपको मेरी वीडियो मिलेंगी, वरना नहीं मिल पाएंगी। और मैंने बहुत सारी चीज़ें अपने चैनल पर डाल रखी हैं, लाइक स्वेटर डाल रखे हैं, कार्डिगन, बहुत सारी चीज़ें डाली हैं। अगर नहीं देखी हैं तो चैनल ओपन करके एक बार ज़रूर देखें। देखिए सब्सक्राइब के सामने जो ऑल बना है उसको आप जब टच करेंगे तो मेरा चैनल ओपन हो जाएगा, फिर वीडियो में जाकर आप सारी वीडियो देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने सारे फंदे इस तरीके से बना लिए हैं। देखिए लास्ट वाले में हमें क्या करना है, लास्ट वाला फंदा मैं आपको दिखा दूँ। ये लास्ट वाली चेन में जब आप डालेंगे तो इस तरीके से डालना है। देखिए इस तरीके से डालकर एक सिंगल क्रोशिया बना के खींचना है फंदा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस तरीके से एक एक करके फंदा निकालेंगे। इस तरीके से देखिए एक एक करके फंदा निकालना है हमें। इस बात का ध्यान रखना है दो फंदे ना निकले, एक एक करके निकालना है, ठीक है। एक एक करके फंदा निकालते हुए इसको हमें पूरा बनाना है। देखिए एक एक करके निकालेंगे और पूरी रो को हम इस तरीके से बनाएंगे, फिर मैं आगे आपको दिखाती हूँ। देखिए एक एक करके निकाल रही हूँ, ये पूरा बन गया है। अब दूसरी साइड हमें क्या करना है, पहले एक देखिए एक चेन बना लेंगे और इसको हम घुमाएंगे। घुमाने के बाद हम देखिए क्या करेंगे, यहाँ फर्स्ट वाली चेन में डालेंगे, ये फर्स्ट वाली जो आपको चेन दिख रही है इसमें डालेंगे हम और इसको इस तरीके से धागा खींच लेंगे, एक बराबर कर लेंगे। और उसके बाद देखिए हम इसके सेकंड वाली चेन में डालेंगे, देखिए सेकंड वाली चेन में डालेंगे, इसमें भी हम इस तरीके से निकालेंगे। फिर इसके पास वाली चेन में डालेंगे, यहाँ पर भी हम सेम निकालेंगे इस तरीके से। इसमें हम हर चेन में डालकर और फंदा निकालते जाएंगे। देखिए हर चेन में डालना है और इसी तरीके से फंदा खींचना है हमें। तो बहुत ही खूबसूरत लगता है अगर आप फ्लावर बना रहे हैं कोई, तो आपको अलग से पत्तियां खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इस तरीके से बनाकर भी लगा सकते हैं और आप थालपोस में लगा सकते हैं, जो झालर होती है उसमें लगा सकते हैं, या फिर आप कैप, बच्चों की कैप में लगा सकते हैं, स्वेटर में लगा सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों में इसका यूज़ होता है। तो देखिए इस तरीके से हमने सारे फंदे निकाल लिए। अब इसको भी हम क्या करेंगे, एक एक करके सारे फंदे निकालते जाएंगे। देखिए जैसा भी हमने बनाया था सेम वैसे ही बनाना है, एक एक करके सारे फंदे निकाल लें। और फिर बनाने के बाद मैं लास्ट में क्या करना है फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए सारे फंदे एक एक करके निकालेंगे हम, लास्ट वाले में मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए एक एक करके सारे निकालेंगे हम। तो आप में से बहुत सारे लोग मुझसे बोलते हैं कि मैम वीडियो थोड़ा स्लो बनाया करें, थोड़ा हम लोगों को दिक्कत होती है। तो मैं कोशिश करूँगी कि अब से वीडियो को बहुत अच्छे से आप लोगों को बताया करूँगी। देखिए लास्ट वाले में भी हमने इस तरीके से निकालना है। निकालने के बाद एक चेन लेकर इसको हम कट कर देंगे और कट करने के बाद जो धागा बचेगा वो उसको हम एडजस्ट कर देंगे इसी में, फ्लावर में, सॉरी पत्ती में ही एडजस्ट कर देंगे। ये देखिए पूरी पत्ती बन गई है, बहुत ही खूबसूरत सी लगती है और मैं आपको इसका दिखा रही हूँ। तो इसको देखिए एडजस्ट कैसे करना है फ्लावर में, इस तरीके से पूरी पत्ती बन जाएगी। हमें मार्केट से कोई ज़रूरत नहीं ख़रीदने की, आप घर में भी बना सकते हैं। तो ये देखिए एक फ्लावर है मेरे पास, इसको हमने पत्तियाँ इस तरीके से रखने के बाद सुई से आप अटैच कर सकते हैं, जो निडल होती है बड़ी वाली उससे अटैच कर सकते हैं, आप चाहें तो क्रोशिया से भी अटैच कर सकते हैं। इस तरीके से मैं एक एग्जाम्पल दिखा रही हूँ आपको, इस तरीके से आप रख के बना सकते हैं, या फिर आप इसका यूज़ बहुत सारी चीज़ों में होता है जैसे मैं अभी बता चुकी हूँ आपको। तो देखिए इसको टक कैसे करना है, इसको हम इस तरीके से रखेंगे और बड़ी वाली जो निडल होती है उसमें धागा डालने के बाद इसको हम टाक लेंगे इस तरीके से। तो बहुत ही खूबसूरत सी बन गया है, पत्ती बन गई है। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो उसको लाइक ज़रूर करें। अब मैं आपको मिलूँगी अपनी अगली वीडियो में, बाय।